नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ रूबी नेगी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बीच हमारे संवाददाता हर पंचायत में जाकर पंचायत के विकास का जायजा ले रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अंबुज कुमार के पास और देखते हैं इस पंचायत का हाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अंबुज कुमार और अभी हम हैं सलखुआ प्रखंड के मुबारकपुर पंचायत में और यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनके पति हमारे साथ हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव जी। सर, विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, अब बारी है आप लोगों की चुनाव की, तो इसे में फिर जो आप जनता के बीच जाइएगा तो क्या मुद्दा लेके जाइएगा वोट मांगने के? हम लोग तो मान के चलिए जो विकास का काम आया, सात निश्चय हुआ, सात निश्चय में जहाँ रोड बनाना था, गली नल था, वहाँ पर किए, लेकिन हमारे यहाँ जो है अभी तत्काल जल नल का दिक्कत है, जो कि सबसे पहले हम अपना प्रखंड में मुबारकपुर पंचायत में मेहनत करके लाए थे, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कोई विशेषता नहीं हुआ, जो कि SDO साहब को भी हम इस विषय में बोले हैं, लेकिन इसमें भी कोई जो है अथी ने किया, दो तीन बार दरखास्त भी दिए, लेकिन हमारे पंचायत में अभी तक एक भी जंगल खराब नहीं हुआ। और जो सरकार का सुविधा हुआ 11 नंबर में, मान के चलिए जहाँ रोड कभी नहीं बना था वहाँ पर रोड बनाए, और जहाँ मान के चलिए 6 नंबर में शर्मा टोला में जहाँ रोड नहीं था, जहाँ गली नली का जरूरत था वहाँ पर गली बनाए, सरकार का जो सुविधा हुआ किए, और आगे मान के चलिए अगर सरकार जैसा सुविधा देगा वैसा विकास का काम करेंगे, सरकार के अनुसार ही करेंगे। मैं तो जनता जी सर, कोरोना काल पहले भी था और अभी भी है, तो इसी में आपका क्या योगदान था आपके पास? कोरोना काल में मान के चलिए इतना हम लोग तो सलखुआ प्रखंड में मेहनत किए और माननीय मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव भी हमको पुरस्कार मिले और मेहनत करते रहे, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है मास्क लगाने के लिए हम लोग संदेश पहुंचाते हैं, जो कभी बाहर निकलिए तो मास्क पहन के निकलिए। शौचालय का काम कहाँ तक हुआ? शौचालय का काम हमारे यहाँ जो है पूर्ण रूप से, और सबसे पहले सलखुआ प्रखंड में मुबारकपुर पंचायत में ODF हुए हैं और मैं अपने पंचायत में कम से कम 1900 शौचालय बनवाए। मैंने बहुत सारे मुखिया जी से बात किया है, तो सबका कहना है जो सरकार से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है नल जल योजना को लेकर, मतलब जहाँ नल जल योजना बोलिए थे जो सरकार का होना चाहिए, तो मतलब वहाँ तक उसका काम नहीं हुआ है, तो आपकी क्या? सही बात है, तो हम पहले ही बात का मुद्दा रखे हैं कि जो नल जल योजना में जो है अभी तक सबसे पहले हम मेहनत करके सारा चीज जमीन का व्यवस्था करके अपना से इंक्वायरी करवा के JEE से सारा चीज सर्वे करवा के हम लोग मेहनत की, और अभी आज तक जो है हमारे पंचायत में नहीं बना। इस पंचायत की सबसे मुख्य समस्या क्या है आपकी नजर? हमारे पंचायत का देखिए मुख्य समस्या तो सबसे पहले वही जल नल वाली बात था, जल नल तो बोलिए थी, और इसके बाद जो है कुछ रोड बचा हुआ है जो कि विधायक फंड से और मंत्री फंड से स्वीकृत हो गया, जो कि हम लोग नहीं बना सके हैं, तो समस्या हुई और ठेकेदार अभी तक आने वाले चुनाव को लेकर क्या अपील करेंगे तमाम जनता? आने वाले चुनाव का जनता के बीच हम रहे, 5 साल मेहनत किए, अब जनता मेरा कार्यकलाप देखे हैं, हम जनता के बीच हम क्या कर सकते हैं, मेरा कार्यकलाप देखते हुए जनता का जो निर्णय होगा जनता अपना करे। तभी हम बात कर रहे थे मुबारकपुर के मुखिया जी से और इनका कहना है कि मैंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है और आगे भी काम करेंगे, और इनका ये मानना है कि मैंने इस क्षेत्र के लिए जैसे ही काम किया वैसे जनता फिर से हमें वोट देगी और फिर से हम सेवा प्रदान करेंगे। कैमरा पर्सन मयंक कुमार के साथ मैं हूं अंबुज कुमार। तो देखा आपने इस पंचायत का हाल, और लगातार बिहार पंचायती चुनाव की हर खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।